मैया इमेजिनेशन डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि साइड इनविजिबल जिप कैसे लगाते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे पास रेडीमेड अनारकली सूट है और ये बिल्कुल फिटिंग का है, इसलिए यहाँ पर साइड में जिप प्रोवाइड की गई है जो कि इनविजिबल है। देखिए, देखने से यहाँ पर जिप दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिटिंग वाले ड्रेसेस के अंदर हमें साइड पे जिप लगानी होती है। हम साइड पे जिप लगा सकते हैं, बैक पे भी लगा सकते हैं, बट आजकल साइड जिप का ज़्यादा ट्रेंड है, तो ये सूटों में भी लग जाती है। ये देखिए ऐसे, ठीक है, तो ये वियर करने में इजीली वियर हो सकती है। तो हम आज ऐसी इनविजिबल जिप लगाना सीखेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं अपने ड्रेस पे इनविजिबल जिप लगाऊंगी साइड पे। सबसे पहले जहाँ पे भी मार्किंग करनी है वहाँ मार्किंग कर लो, जैसे बस्ट की मार्किंग, फिर ऊपर से 14 इंच पे हमने वेस्ट की मार्किंग कर ली और ऐसे सीधी लाइन लगा ली, ठीक है। अगर आप ये जिप आपने अनारकली में लगा रहे हो या फिर नॉर्मल सूट में लगा रहे हो साइड पे जिप, या फिर ब्लाउज में भी अगर आप लगा रहे हो साइड में जिप, तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगती है, साइड इनविजिबल जिप। ये हमारे उल्टी साइड है, गलत साइड है ड्रेस की, तो यहाँ पर इस साइड पे जिप लगेगी। इट मीन्स अगर हम सीधी ड्रेस पहनेंगे तो वो हमारे लेफ्ट साइड पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने मार्किंग कर ली, अब हम इसको देखो, इतनी मार्किंग है तो हम इसको ऐसे ही इतनी ही मार्किंग पे प्रेस कर लेंगे, बिल्कुल जहाँ जहाँ हमने स्टिच करना है। जैसे कि यहाँ पे इतना स्टिच करना है, तो ऐसे ही इसको इस साइड पे और इसको दूसरी साइड पे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपको ये इनविजिबल जिप साइड पे लगानी है किसी सूट पे या फिर कुर्ते पे या फिर किसी गाउन पे, तो इसका मेथड दूसरी साइड जिप से डिफरेंट होता है। ये देखो, इसके लिए क्या करेंगे, हम सारी साइड मार्किंग कर देंगे, बिल्कुल जो हम करते हैं ना बस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे मार्क करने के बाद हम प्रेस लेंगे, और ये देखो ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मार्किंग की हुई है, इसको बिल्कुल ऐसे ही टर्न करूँगी कि मेरे को जो अपनी जिप लगानी है वो यहीं पे लगानी है, ठीक है। और प्रेस से यहाँ पे प्रेस कर लूँगी ऐसे, और देखो यहाँ पर ये मार्किंग कहाँ है, थोड़ी स्लांट इस साइड पे आती है, कमर के बाद हिप के लिए टेढ़ी आती है, तो यहाँ पे टेढ़ी प्रेस कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और साइड जिप मैं लगाऊँगी 11 इंच की, मुझे सिलाई, ये देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे 11 इंच की साइड जिप चाहिए। आप इसको 12 इंच तक भी ले सकते हो, लेकिन 11 इंच ठीक है, नॉर्मली सबके लिए 11 इंच ठीक है, 11 इंच ठीक है, ठीक है। यहाँ तक 11 इंच तक मैंने निशान लगा दिया कि मुझे जिप यहाँ तक चाहिए, और इस केस में हम ऊपर से यहाँ तक सिलेंगे, सिलाई करेंगे, और हमारी जिप यहाँ से स्टार्ट होगी। इट मीन्स ऊपर से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, निशान लगा लिया, हमारी जिप यहाँ से स्टार्ट होगी, 11 इंच तक जाएगी, ठीक है। यहाँ से टोटल इसका मतलब हमारी जिप लगेगी 10 इंच की। अब देखो मैंने जिप कैसी ली है इसके लिए, ये है हमारी जिप, देखो फ्रंट साइड से ये जिप ऐसी लग रही है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये ऐसी वाली जिप है, इसमें ना इसके टीथ दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कि ये बैक साइड पर दिखाई दे रहे हैं, फ्रंट साइड से ये टीथ दिखाई नहीं दे रहे। ये अच्छी क्वालिटी की जिप है, ठीक है। अगर हम इसको बंद करते हैं तो यहाँ से ये वाले टीथ दिखाई नहीं दे रहे। ये देखो ध्यान से जिप को लगाते कैसे हैं, ये सूट में लग रही है या कुर्ते में लग रही है, या फिर ये तो मैंने बनाया है अम्ब्रेला गाउन, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये जिप कैसे लगाते हैं, ये हमें पता चल गया कि यहाँ पर फोल्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रेस कर लिया, ठीक है। हमें पता चल गया कि यहाँ तक सिलना है इसको, और ये जिप ये देखो यहाँ से खुलती है, इसको हम अंदर की साइड पे डालेंगे, यहाँ से ये उल्टी है, जिप की गलत साइड है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये जिप यहाँ से खुलती है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे रखना है इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो हमने जिप लगानी थी यहाँ 1 इंच से लेकर, ये सीधी साइड है जिप की, ये रखेंगे हम इसकी तरफ ऐसे, ठीक है। इसको हम खोल लेते हैं अभी, और हम पिंस भी लगा सकते हैं, अभी मैं कर रही हूँ सुई धागे से कच्चा। अगर आपको कच्चा नहीं करना तो आप पिंस भी लगा सकते हो। देखो मैंने ये खोला, और इसकी गलत साइड जिप की मेरी तरफ है, सही साइड इस कपड़े की तरफ है, ठीक है।
ऐसे रखा हमने, और हमने सिलना किसके ऊपर है, सिर्फ इसके ऊपर, क्योंकि इसमें कोई भी निशान हमारे सीधे कपड़े की तरफ नहीं आएगा, ये इनविजिबल जिप है इसलिए, ठीक है। हमें ये पता है कि हमने यहाँ मार्किंग भी, मैं निशान लगा देती हूँ जहाँ पे प्रेस का निशान है, ऐसे इधर प्रेस का निशान था तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, ठीक है, कि ये जिप यहाँ तक आएगी। तो ये ध्यान रहे, अब मैंने इसको ऐसे टर्न किया है तो ये कपड़े का सीधा साइड है, और यहाँ तक हमें टर्निंग चाहिए थी, और यहाँ पे मैं जिप रख लूँगी इस प्रकार, इसको ऐसे रखा कपड़े के ऊपर, और मैं यहाँ पर सुई धागे से कच्चा कर रही हूँ। आप यहाँ पे पिंस भी लगा सकते हो, देखिए यहाँ तक मैंने निशान लगाया था और मैंने यहाँ तक इसको कच्चा कर लिया सुई धागे से। और याद रहे ये जो, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमने यहाँ पर निशान लगाया था, इसको ऐसे टर्न किया था, ठीक है। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये कपड़े की सीधी साइड है, यहाँ पे भी मैंने दोबारा से निशान लगा दिया कि कहाँ मेरे को सिलाई चाहिए, जिप चाहिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पर सुई धागे से कच्चा कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी साइड पे, इस क्लोथ के दूसरी साइड पे हम निशान लगाएंगे और इसको ऐसे करके प्रेस कर लेंगे। अब ये दूसरी साइड पे भी जिप लगानी है। इधर निशान लगाने का आसान तरीका क्या है, ये देखो हमने यहाँ पर निशान लगाया था और यहाँ पर जिप लगा दी इसको फोल्ड करके सिर्फ इस कपड़े पे। अब इसके ऊपर भी हम निशान लगा देंगे ऐसे ही, यहाँ पे इजी हो गया दूसरे पैनल पे निशान लगाना। ये देखो ये जिप मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पे ये हमने निशान लगा लिया है। अब तो ध्यान से हम यहाँ पे भी कच्चा भी कर सकते हैं सुई धागे से, या फिर पिन भी लगा सकते हैं। मैं आपको अब पिन लगा के दिखा रही हूँ। ये देखो ये निशान लगाया है हमने, इसी के ऊपर ऐसे पिन लगा दी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमने ऐसे स्टिच करना है इस जिप को, और ऐसे यहाँ तक स्टिच करना है, ठीक है। आप पे ये देखो हम अब इसको स्टिच करेंगे। मेरी नॉर्मल स्विंग मशीन है, जिपर फुट वाली नहीं है, तो मैं ऐसे ही इसी के ऊपर ऐसे ही स्टिच कर रही हूँ। अगर आपकी मशीन इलेक्ट्रॉनिक लेटेस्ट वाली है तो उसमें आप जिपर फुट इंसर्ट कर लो, तो उससे और ज़्यादा आसानी से ये स्टिच हो जाती है। मेरे पास तो ये नॉर्मल स्विंग मशीन है तो मैं इसमें स्टिच कर रही हूँ। इसका पैर ये वाला छोटा है तो मैं इस साइड से स्टिच कर रही हूँ, और ऐसे पकड़ के ध्यान से स्टिच करते रहेंगे इसको। बिल्कुल ध्यान से स्टिच कर लो, जितना आप इसके जिपर के टीथ के पास, दांतों के पास स्टिच कर सकते हैं उतना कीजिए। लीजिए स्टिच हो गया है, ठीक है, तो इतना हो पाया, कोई बात नहीं, जितना हुआ है उतना ठीक है। ये देखो हमने एक साइड पे जिप लगाई है अभी सिर्फ, और ये अगर हम सही साइड से देखें तो ये ऐसी लग रही है, ठीक है। एक साइड पे हमने जिप लगा ली है, अब सेकंड साइड पे कैसे लगाएंगे, ये देखो दूसरी साइड पे हमने ये मार्किंग की थी कि ये जिप यहाँ चाहिए, तो हम इस अकॉर्डिंग इधर भी स्टिच कर लेते हैं। ये इसके जो दो पैर हैं, ये वाला चौड़ा है, ये पतला है, मैं ये पतले वाले पैर को इस साइड पे रख के स्टिच कर रही हूँ। अगर आपके पास जिपर फुट है तो आप जिपर फुट लगा लीजिए, मेरे पास नहीं है इसलिए हम ऐसे स्टिच कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से पकड़ते जाएंगे, जहाँ पे भी हमने निशान लगाया है वहाँ पे स्टिच करते जाएंगे, और मैं पिन हटा देती हूँ साथ साथ। जितना इस टीथ के पास जा सकते हैं उतना कीजिए। इसको मैं खोल लेती हूँ, और देखो जहाँ पे हमने निशान लगाया था जितना पास जा सकते हैं वहाँ तक करते जाइए। ये देखिए हमारी मार्किंग यहीं तक है, तो हमें यहाँ तक फाइनलाइज करना है अपना स्टिच। यहाँ से फाइनलाइज कर लो स्टिच थोड़ा।
ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज करेंगे ऐसे, तो हमारी इनविजिबल जिप लग गई है। अगर हम इसको सीधी साइड पे करें तो ये मेरे क्लोथ की सीधी साइड है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अभी प्रॉपर इनविजिबल नहीं लग रही है अगर मैं इसको पूरा खोलूँ तो, ठीक है। इसको प्रॉपर इनविजिबल बनाने के लिए और साइड्स को बाद में स्टिच करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ इस क्लोथ को इसके ऊपर, ताकि ये जिप जो है कवर हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको ऐसे कवर कर रही हूँ मैं दोनों साइड से इस क्लोथ को, ऐसे कवर कर रही हूँ। देखो अभी कवर करने के बाद प्रॉपर इनविजिबल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें इसको प्रेस करना है, देखो प्रेस करने के बाद ये प्रॉपर इनविजिबल हो गई। अब हमें ऊपर से 1 इंच तक हमें स्टिच करना था और नीचे से पूरा लास्ट तक हमें इस गाउन को स्टिच करना है। ये देखिए, इस जिप को थोड़ा सा खोलते हुए यहाँ से थोड़ा सा ओपन कर दिया, और ये देखो यहाँ पर ये आर्म होल है, तो यहाँ पर ये आर्म होल है और यहाँ पे हमें 1 इंच तक इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए, ये जिपर यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से, ये जिप का स्टिच यहाँ पर आ रहा है, इसके थोड़ा सा इधर हम यहाँ से सीविंग मशीन पर जाके इतना स्टिच कर देंगे, एक दो बार, 1, 2, 3 टाइम हम यहाँ से पक्का स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये इनविजिबल जिपर स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम लास्ट में आएंगे। ये हमारा साइड स्लिट ओपनिंग है, इसको हम साइड से भी पूरा स्टिच करेंगे, गाउन के साइड से पूरा स्टिच करेंगे। अगर आपका सूट है तो जितना आपको चाहिए स्टिच, यहाँ तक आपका जिपर है, उसके बाद हिप लाइन तक आप स्टिच करते हैं। देखो ऊपर से स्टिच करने के बाद अब हम आएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमें जिप चाहिए थे सिर्फ यहीं तक, ठीक है। यहाँ से थोड़ा 1 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ के हम जिप को कट कर लेंगे, यहाँ तक हमें जिप चाहिए, यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के जिप को कट कर लेंगे, लीजिए। और उसके बाद जिप को ये बाहर की साइड लाते हुए, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बाहर की साइड पर लाते हुए यहाँ पे जिपर एंडिंग हो रही है, इसकी साइड स्टिच हो रही है यहाँ पर, और जिपर की साइड स्टिच है यहाँ पर, इससे थोड़ा सा अंदर को हम स्टिच करेंगे, ऐसे ऐसे स्टिच करेंगे। देखो मैं बता रही हूँ कैसे, देखो यहाँ से स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे सिलाई मशीन पर जाकर, ऐसे थोड़ा अंदर की साइड पर, ठीक है। ये देखो इसके मैंने ऊपर की साइड पर यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब मैं ये साइड पे जो जिपर ओपनिंग है, यहाँ पर जिप एंड हो रही है, इसको मैंने बाहर की साइड पे रखा ऐसे, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बाहर की साइड पे रखा और इस क्लोथ को ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। और यहाँ से मैं क्लोथ लेकर आ रही, यहाँ से मैं धागा लेकर आ रही हूँ, यहाँ साइड से यहाँ तक पॉइंट तक आऊँगी जहाँ तक हमने मार्क किया था, बिल्कुल धीरे धीरे से आओ ताकि आपकी सुई ना टूटे इस केस में और धागा भी ना टूटे। लीजिए यहाँ तक आ गए, और अब इसको पूरा साइड को स्टिच कर दीजिए, जिप को बाहर निकाला हुआ है, पूरी साइड को अब स्टिच कर दीजिए। अगर आपका ये कुर्ती है तो जहाँ तक आपको कुर्ती की स्टिच चाहिए हिप लाइन, वहाँ तक स्टिच कर दीजिए। ये देख सकते हैं आप, इनविजिबल जिप यहाँ पर लग गई है, सी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमने ये स्टिच किया था 1 इंच तक यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ साइड तक, इधर से लेकर यहाँ तक साइड तक हमारी इनविजिबल जिप लग गई है। देखो मेरे एक और ड्रेस पे इनविजिबल जिप लगी है, ये रही, इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रही है, ये भी यहाँ से यहाँ तक स्टिच्ड है और उसके बाद ये इनविजिबल जिप लगी हुई है साइड पे, ठीक है। तो आप सिलते टाइम जितना ज़्यादा इसके पास सिल सकते हैं उतना सिलिए और आपकी इनविजिबल जिप लग जाएगी। और अगर बिल्कुल ड्रेस
अगर ड्रेस बिल्कुल फिटिंग की है तो आप इनविजिबल जिप लगाकर उसको इजीली पहन सकते हैं। ये देखिए पूरी बंद होने के बाद इसका सिर्फ ये पार्ट दिखता है, वो भी अंदर चला जाता है। ठीक है, अब हमारी इनविजिबल जिप लग चुकी है। इसको ऐसे ही जैसे फोटो में दिख रहा है कुर्ती में, गाउन में या फिर लॉन्ग ड्रेस में भी, आप फ्रॉक्स में भी बना सकते हो, इसको लगा सकते हो साइड पे। इससे पहनने में इजी होता है और अच्छी भी लगती है, नाउ डेज ये इन हैंड। NiaImagination.com देखते रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप एक्सेट्रा पे, और आप मुझे स्विंग चैट ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो पूछना है पूछिए। थैंक यू।